मुझे नहीं लगता ये पलंग भी तोड़ पाएगा आज। अबे सालों तुम चैन से जीने मत देना किसी को। अरे मानते हैं नहीं उठी भैया से भाभी तो उसकी मजाक उड़ाना जरूरी है। अरे हो सकता है भाभी में वजन ज्यादा हो। ऐसा भी तो हो सकता है भैया में ही वजन कम हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनील यूट्यूबर में। तो जैसा कि आपको पता है ठंड का सीजन चल रहा है और शादियां बड़े जोरों शोरों पे हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इस सीजन की सबसे महान शादियों की तरफ और मिलवाते हैं आपको ऐसे प्राणियों से जिनको देख पाना आपकी किस्मत में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो एक देख रहे हो तुम भाई का, इसे कहते हैं जान जाए पर अकड़ ना जाए। असल में गलती उसकी भी नहीं है, क्या करें शादी का माहौल ही कुछ ऐसा होता है। म्यूजिक बजते ही पैर अपने आप चलने लगते हैं और भाई साहब इस म्यूजिक के चक्कर में कुछ लड़कियां तो पिट तक जाती हैं। देखो यार ये शादियों में नाचने का एक अलग ही स्वैग है। कई बार तो अगर डीजे पर भीड़ होती है तो लड़कियां दूसरी जगह नाचने लगती हैं और मन ही मन सोचती है कि देखूंगी कैसे नहीं देखोगे मुझे, और भाई साहब कहती हैं कि नाम फेर दूंगी अपना अगर डीजे छोड़कर इधर ना आ गए तो। नहीं सही में यार ऐसा जलवा दिखाती हैं कि सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। तो भैया ये तो हुई डीजे पर जलवा बिखेरने वाली बात जो हर जगह लड़कियां बिखेरती हैं। और अब बात कर लेते हैं बारात चढ़ते टाइम। तो आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि उसमें एक ना एक ऐसी लड़की होती है जो इतना नाचती है और ये साबित करने की कोशिश करती है कि मैं दूल्हे की बहन हूँ। अरे बहन मत नाच, मान लो मैं तू दूल्हे की बहन है। इतना ही नहीं, कुछ तो बहनें इतनी एक्शन में भर जाती हैं कि उनका दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। जैसे कि इस बहन को ले लो, भाई साहब डांस के नशे में इसने हमारे भैया की बाट लगा दी। एक मिनट देखो, ये देखो ये 2000 का नोट दे दिया। रिएक्शन देखो, है तो ये 2000 का नोट था ना, 200 का था। और हमारे भैया भी बहुत बड़े दानवीर बन रहे हैं, इतने बड़े पूछो मत। देखो ना, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अंधा बांटे रेबड़ी अपने अपने को दे। असल में ये कहावत यहाँ पे बहुत ज्यादा परफेक्ट बैठती है। मतलब शादियों में अगर तुम किसी अंधे को भी मिठाई बांटने को बोलोगे ना तो वो भी अपने अपने को ही देगा, समझे। अरे अम्मा हमारे चचा को भी दे दो हैं? देख रहे हो तुम ये हालत है, अपने अपने को दे रही हैं। एक कहावत और सुनी होगी आपने कि कम पड़े तो हर से गए और ज्यादा पड़ गए तो घर से गए। ये कहावत भी यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब कम पड़े और नौकरी नहीं लगी तो घर का काम भी नहीं होगा, आराम उद्धैल हो जाओगे, और अगर ज्यादा पड़ गए नौकरी लग गई तो घर में नहीं रहोगे, समझे आप। मगर भैया मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है कि लुल्ल बन के जीना पड़े। और शादियों में हमें लड़कों का ही लुल्लपन नजर नहीं आता, लड़कियों की भी सच्चाई नजर आ जाती है। जैसे कि इस बहन को देखो, भाई साहब इससे इतने कपड़े धुलवाए घर वालों ने, इतने कपड़े धुलवाए, जयमाल भी ऐसे डाल रही है ना जैसे अर्गनी पे कपड़े क्या डालते हैं। और यार मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ जो सोशल मीडिया पे बबल सिर की तरह फैली है। जो लड़कियां ज्यादा भाव खाती हैं उनके पति, नहीं सालो तुम ये बताओ कमी क्या है हमारे भाई में, हैं? नहीं सुधरोगे तुम। हाँ लड़की का मन बहुत दुख रहा है, अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही है। नहीं तुमको बहुत पता है अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए कर रही है, तुम अंतर्यामी जो हो। और सालो कह तो ऐसे रहे हो ना कि जैसे हूर की परी लग रही हो, धुलवा दो मेकअप और मिला लेना हमारे भाई से, हैं?
तब आ जाएगी सच्चाई 2 मिनट में, और वैसे भी सच्चाई तो यही है। खैर तो चलो आप बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ दूल्हों के। तो भाई साहब दूल्हे भी इतने प्रकार के होते हैं ना कि आप इमेज नहीं कर सकते। एक दूल्हा वो होता है जिसको शादी की अपार खुशी होती है, देख रहे हो, ये वो दूल्हा है जिसने शायद ही अपने गांव की कोई बारात छोड़ी होगी, वरना हर बारात में नाचा होगा। खैर कोई नहीं, दुल्हन भी सोचती होगी नाच ले बेटा जितना नाचना है, खैर खाई पी तो निकाल ही दूंगी 2 दिन में। तो भैया सेकंड नंबर पे आता है हमारा वो दूल्हा जिसने मोहल्ले की शायद ही किसी लड़की को बहन माना होगा। जैसे कि इस दूल्हे को ले लो, इसकी हरकतों को देख के मुझे नहीं लगता कि इसने किसी को बहन माना होगा। ये दूल्हा इतना ठरकी है कि इसको जरा भी सब्र नहीं है, यही पे कांड कर डाला। आपको पता है 1 मिनट पहले यहाँ पे क्या हुआ है? अबे लल्लो, लड़की होंठ साफ कर रही है, तुमको समझ नहीं आ रहा है? और असली ठरकपन का अंदाजा तो तुम लड़के के बॉडी स्ट्रक्चर को देख के पता लगा सकते हो कितना ठरकी है। हड्डियां भी बची हैं बॉडी में या फिर वो भी मांग के लाया है? और अब चलते हैं अपने तीसरे टाइप के दूल्हे की तरफ। और ये वो दूल्हे होते हैं जिनको अपनी लाइफ में शादी तक करने का टाइम नहीं होता है, इतने बिजी होते हैं ये। कई बार तो इनका प्रोफेशन शादी में ही नजर आ जाता है भाई। नो 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 नो, देख रहे हो, लग नहीं रहा तुमको ये पक्का बनिया होगा। और भैया चौथे टाइप के दूल्हे वो होते हैं जो शादी भी लड़की के घर वालों से पैसे लेके करते हैं, इतने पर भी इनको सुकून नहीं आता, तसल्ली नहीं मिलती। कंजूस जो होते हैं लाइफ में, शादी में जितना भी पैसा आता है सब अपनी जेब में रखते हैं, यहाँ तक कि बीवी तक से छीन लेते हैं। और पांचवें नंबर पे आता है हमारा वो दूल्हा जो बहुत सीधा साधा होता है, बिल्कुल लुल, जिसको हर किसी ने मंदिर का घंटा समझ के बजाया होता है। लाइफ में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया होता है। देखो ना, अबे साले मुंह नहीं देख मिल गया, करेगा क्या लाइफ में तू? तो भैया आप बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सालियों की। कहते हैं साली आधी घरवाली होती है, मगर आधी घरवाली ऐसी नहीं बन जाती, यहाँ तक पहुँचने के लिए लड़के के छक्के छूट जाते हैं। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ इन हलवाइयों का जिन्होंने इससे बड़ा लड्डू नहीं बनाया, नहीं तो ये सालियाँ लाठियों तक से ठूंस देती। और भैया दूसरे नंबर पे आती हैं हमारी वो सालियाँ जो कैमरामैन के सामने दुल्हन से ज्यादा अपने आप को फोकस में लाती हैं। ये कैमरा देखते ही हर जगह घुस जाती हैं। भाई साहब कभी कभी तो पंडित भी कंफ्यूज हो जाता है और दुल्हन का हाथ पकड़ने की बजाय इन्हीं का हाथ पकड़ लेता है। और तीसरे नंबर पे आती है हमारी वो सालियां जो थोड़ी चुलबुली, थोड़ी नहीं पूरी चुलबुली होती हैं, जिन्हें आप रंगीली सालियां भी कह सकते हो। पहली बात तो इनके इतने ज्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके होते हैं कि ये काम तो इनके लिए एक आम बात हो जाती है। और इन्हीं में से कुछ सालियां ऐसी होती हैं जिनको जीजा जी पे दिल आ जाता है। और इतना ही नहीं, ये साले दोनों एक दूसरे से फोन पे बात भी करने लगते हैं, यहाँ तक कि कसमें बांधे तक हो चुके होते हैं। कहते हैं तू अगर मुझसे प्यार करती है तो शादी में सबके सामने मुझे किस करके दिखाना। अबे सालो, तो सभी बीबियों से कहना चाहूंगा अपनी बहन पे नजर रखना, समझ रही हो तुम? समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो भैया अब बात आती है विदाई की। और ये आजकल की लड़कियों के बारे में तो मैं क्या कहूँ, इन्होंने तो भाई साहब लजा दिया है बिल्कुल। लड़कियों एक बात बताओ, क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता हैं विदाई के टाइम पे? नहीं बताओ, दुख नहीं होता क्या? क्या है ये? हाय, अरे
अरे मैया, अरे वैसे रो देना थोड़ा जाने से पहले, पता नहीं दिखाने के लिए। देख रहे हो है? मम्मी रो रही है और लड़की हंस रही है, अब बताओ कैसे यकीन कर ले हम विदाई के टाइम पे कि हर लड़की दिल से रोती है। अरे मत रो, तो कोई कह रहा रोने के लिए क्या है? कम से कम ड्रामा तो मत करो रोने का, घर वालों को परेशान कर रहे हो, मम्मी पापा को परेशान कर रहे हो, है जरूरी है ड्रामा करना क्या? तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि इन लड़कियों का आंसुओं पे मत जाना, ये बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन होती हैं, हैं? कुछ ही लड़कियों को छोड़ के। वैसे भी सच्चाई तो ये है, पहले जमाने की लड़कियां बोलती थी आजकल की जमाने की लड़कियां बोलती हैं तो लड़कियों गालियां मत लिखना मुझे कमेंट सेक्शन में, बता रहा हूँ मैं। अरे मैंने जो सच्चाई थी बता दी। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, ठीक है, बाय।